नमस्कार दोस्तों, फील रिलैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। हनुमान जी जैसा किसी का बल नहीं। यह कथन केवल शब्द नहीं है बल्कि उन अनगिनत घटनाओं का वर्णन है जो उनके असाधारण बल, अद्वितीय भक्ति और अतुलनीय विवेक को उजागर करती है। हर बार जब हम उनके चरित्र पर विचार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, अपार भक्ति और अद्भुत साहस के भी प्रतीक है। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी भक्ति और बल से हर असंभव को संभव कर दिखाया। क्या आप जानते हैं, जब रामायण की कथा में सीता माता को रावण ने हरण कर लिया था तो उन्हें ढूंढने का कठिन कार्य किसे सौंपा गया? हनुमान जी को। और उन्होंने इसे कैसे पूरा किया? क्या उन्होंने किसी चुनौती से घबराकर पीछे हटने का विचार किया? नहीं, उन्होंने अपनी समर्पण भावना और साहस के बल पर समुद्र को पार किया। समुद्र पर छलांग साहस की अमर गाथा। जब हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने के लिए समुद्र पार करना था तो क्या वह आसान काम था? समुद्र की विशालता और गहराई को देखकर कोई भी डर सकता था, लेकिन हनुमान जी, उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपने बल और भक्ति से असंभव को संभव किया। उनकी ये छलांग केवल एक कार्य नहीं थी, यह उनके अधिक विश्वास और शक्ति का प्रतीक थी। सोचिए, उस समय उनके भीतर कितनी ऊर्जा रही होगी जो उन्हें इस काम को पूरा करने का साहस दे रही थी। लंका में सीता माता से मिलन जब लंका पहुंचे तो क्या उन्होंने केवल अपने बल का प्रदर्शन किया? नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से काम लिया। रावण की सोने की लंका में प्रवेश करना आसान नहीं था, चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन हनुमान जी ने बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी चतुराई और समझदारी से सीता माता तक राम जी का संदेश पहुंचा। ये केवल बल की बात नहीं थी, यह उनकी बुद्धि और भक्तिपूर्ण समर्पण का प्रतीक था। लंका दहन। धर्म के लिए बल का उपयोग। जब रावण ने अहंकार में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई तो क्या वे चुपचाप सहन कर गए? नहीं, उन्होंने उस आग को अपनी शक्ति में बदल दिया और पूरी लंका को जला डाला। लेकिन क्या यह क्रोध से किया गया कार्य था? बिल्कुल नहीं, यह धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया कदम था। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किया। पर्वत उठाने का अद्भुत पराक्रम रामायण की एक और महत्वपूर्ण घटना है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी थी। क्या किसी और ने यह जिम्मेदारी ली? नहीं, हनुमान जी ने इसे स्वीकार किया और हिमालय की ओर निकल पड़े। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, जब उन्हें बूटी पहचानने में कठिनाई हुई तो उन्होंने पूरे पर्वत को भी उठा लिया। सोचिए, कितना अद्भुत साहस और बल चाहिए ऐसा कार्य करने के लिए। निस्वार्थ भक्ति और सेवा हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण उनकी निस्वार्थ भक्ति है। वे राम जी के केवल सेवक नहीं थे, उनका सबसे प्रिय भक्त थे। उनके लिए राम जी के हर आदेश को पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य था। सोचिए, आज के समय में क्या ऐसा कोई है जो इतनी निस्वार्थता से किसी के लिए समर्पित हो? जब राम जी ने हनुमान जी से कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तो क्या उन्होंने अभिमान किया? नहीं, उन्होंने केवल यही कहा, मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। उनकी विनम्रता उनकी भक्ति भक्ति को और भी ऊंचाई पर ले जाती है। हनुमान जी की शक्ति का रहस्य क्या आप जानते हैं? कि हनुमान जी की शक्ति का असली रहस्य क्या था? उनकी भक्ति। राम नाम उनके लिए केवल शब्द नहीं था, यह उनके जीवन की शक्ति थी। उन्होंने हर कार्य राम जी के नाम के सहारे ही किया। राम नाम की महिमा को उन्होंने बार बार सिद्ध किया। जब किसी ने उनके बल पर प्रश्न उठाया तो उन्होंने अपने सीने को चीर कर राम सीता की छवि दिखा दी। हमारी प्रेरणा। हनुमान जी की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि बल केवल बाहरी नहीं होता, सच्ची शक्ति वह है जो भक्ति, साहस और निस्वार्थता के साथ आती है। वे हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में हार मानने के बजाय अपने भीतर छिपे साहस और विश्वास को पहचानें। जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तो हनुमान जी को याद करें। उनकी भक्ति, उनका साहस और उनका बल हमें सिखा रहा है कि हर समस्या का समाधान है हमारे पास विश्वास और धैर्य। हनुमान जी की कथा और आज का जीवन, आज के समय में जब हर कोई अपने स्वार्थ में व्यस्त है, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है।
वे हमें ये भी सिखाते हैं कि अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करें। उनकी कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, चाहे वह समुद्र को पार करने की बात हो या पर्वत को उठाने की। हर कार्य को उन्होंने अपनी भक्ति और समर्पण के बल पर पूरा किया। निष्कर्ष, हनुमान जी जैसा किसी का बल नहीं। यह कथन केवल उनकी शारीरिक शक्ति का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनकी भक्ति, निस्वार्थता और साहस की भी प्रशंसा करता है। उनकी हर कथा, हर घटना हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास विश्वास, भक्ति और साहस है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो हनुमान जी को याद करें, उनका नाम लीजिए, उनकी कथा सुनिए और देखिए कैसे आपकी हर समस्या हल होती है। जय बजरंगबली। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।